हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आज आपको दिखाने वाला है समरस हॉस्टल। समरस हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है तो आपको बताएंगे, पूरा का पूरा समरस हॉस्टल। तो बने रहिए व्लॉग में। अगर तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे आपको दिखाया है कि समरस हॉस्टल का गार्डन कैसा दिखता है। तो जो भी लोग समरस में अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो अंदर से कैसा दिखता है वो आपने देखा। ये सब आई जब हम एंटर हो गए समरस हॉस्टल के अंदर, तो अंदर से कैसा दिखता है कैसा नहीं आपको दिखाएंगे, बने रहिए व्लॉग में। समरस हॉस्टल रहता है टोटल 9th फ्लोर का। 9th फ्लोर, तो आप सोच रहे हो 9th फ्लोर क्या स्टेयर चढ़ के जाएंगे? नहीं भाई, चढ़ने के लिए यहाँ लिफ्ट होती है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं रूम कैसा दिखता है अंदर से, तो बने रहे। लोग आ चुके हैं लिफ्ट में और अब हम जाएंगे ऊपर, आपको दिखा देंगे ऊपर कैसा दिखता है। और ये डोर ओपन हो गया है और आपको बताएंगे अंदर कैसा दिखता है। तो देखो, पंखा भी रहता है तो अंदर गर्मी वर्मी नहीं होता। और कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा, अगर हम लिफ्ट में फंस जाए तो क्या करें? तो यहाँ बटन है 2, इससे अलार्म बजता है और इससे कॉल लगता है, तो आप बाहर निकल सकते हो। और ये हमारा 4th फ्लोर आ गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं 4th फ्लोर पे, आपको दिखाएंगे जैसा दिखता है 4th फ्लोर। कपड़े आपको यहाँ खुद धोने पड़ेंगे, कपड़े धोने के लिए यहाँ देखो ये चौकड़ी दी है, इस चौकड़ी में हम कपड़े वपड़े धो सकते हैं।
के बाद आपको दिखाएंगे रूम रूम कैसा दिखता है अंदर से। तो हम अभी एंटर हो गए हैं रूम के अंदर, तो चलिए दिखाते हैं आपको रूम में कैसा दिखता है। चलिए ओ ये आईना, एक आईना देते हैं, एक टेबल देते हैं रीडिंग के लिए, एक चेयर देते हैं आपको, और एक बेड देते हैं आपको, दो बेड देते हैं, मतलब एक रूम में दो लोग रहते हैं। अगर आप फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहते हो तो एक रूम में दो लोग रहेंगे, और अगर फोर्थ फ्लोर के नीचे रहोगे तो एक रूम में चार लोग रहेंगे। और आपको एक कपबोर्ड भी दिया जाता है जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, देख सकते हो आप, ये बहुत ही बढ़िया आपको दिया जाएगा। Thank you.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me?